हेलो फ्रेंड, बाइक डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज मैं एक क्लासिक 500 का रिस्टोर कर रहा हूं और इसको पूरी कलर कराऊंगा, प्लेटिंग वगैरह जो भी है, और थोड़ी सी डिजाइन भी दूंगा। और क्या बताएं आपको, ये हम रिस्टोर करने जा रहे हैं और ये गाड़ी है, गाड़ी का पूरी मैट ब्लैक है और इसको मैं क्या टंकी और ये पैनल कैंडी रेड में करूँगा। और गाड़ी कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी कैसी लग रही है। और ये हम काम चालू कर दिए इसको ओपन करने के लिए, ये बच्चे लोग लग गए हैं। ये देखिए साइड मिरर ओपन करने चालू हुआ है, जो ओपन करने में काफ़ी समय लग ही जाता है। और ये देखिए सब काम चालू हो गया है। अब ये पूरा टोटल इसको मैं डिसेबल कर दूंगा, यानी हर एक नट बोल्ट जितने भी है सब पूरा ओपन करने के बाद फिर गाड़ी पेंटिंग होगा, जिससे पूरा कलर इसको केमिकल से पूरा निकाल, जो भी पुराने कलर है इसको सब निकाल दिया जाएगा और उसके बाद पूरे नए कलर इस पर दिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है, पेंटर थोड़ी लापरवाही करके उसमें लामी वामी भर को कर देता है। जैसे अभी देखिए इसमें टचअप है, ये देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ पे पूरा टचअप है। इसको पूरा टंकी अंदर से कट करके पूरा अंदर से ठोक के पूरा डेंटिंग किया जाता है। डेंटिंग करने के बाद ये पूरा काम किया जाएगा। ये पूरा मैट ब्लैक है, पहले से करवाया गया है। अभी मैं इसको टोटल डिसेबल कर दूंगा। अब देखिए ये हमारा मिड गार्ड पूरा फैल गया है, जिसको ये पूरी डेंटिंग करके एकदम पता भी नहीं लग पाएगा कि कभी यहाँ पे कुछ हुआ था। ये पूरा किया जाएगा और अभी तो टोटल उसको ओपन करेंगे। काफ़ी गाड़ी खुल गई हमारी, लगभग 40% गाड़ी तो ओपन मैंने कर ही दिया है। और ये लोग लगे हुए हैं, देखिए पूरी ताकत लगा रहे हैं लोग थोड़ा उसको ऑपरेशन करने के लिए। ये देखिए सॉकेट निकाल ले, पहले इसको पूरा ये खोलो, ये पूरा बाहर आ जाए, सॉकेट आराम से निकल जाएगा। ये खोलो दोनों बोल्ट, सॉकेट छोड़ दो, ये दोनों बोल्ट खोल लो, ये ब्रैकेट उठाओ,
ये हमारी गाड़ी रेडी हो गई है और ये जो हम लोगों ने किया है पूरे इंजन को, बॉडी को, चेसिस को हम लोगों ने ब्लैक मैट किया है। टंकी और पैनल को पूरा मैरून कलर दिया है। जिसमें हम लोगों ने, ये क्लासिक थी और क्लासिक को हम लोग मॉडिफाई करके इसका जो आगे सस्पेंशन, हेडलाइट, थंडरबर्ड का कर दिया है। जिसमें थंडरबर्ड डिजिटल आता है, जो उसका पूरा शॉकर है, लॉकिंग सिस्टम भी है जो कि क्लासिक में नीचे होता था, उन्हें हम लोगों ने उसको ऊपर कर दिया है और काफ़ी खूबसूरत लग रही है गाड़ी। और करीब इसमें पूरी कास्टिंग 50 से 60,000 के आसपास आई है, जिसमें आगे सस्पेंशन में 50,000 के आसपास पूरा खर्च आया है। ये हमारा 2010 मॉडल थी ना, ये 2010 मॉडल गाड़ी है। इसमें हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, ये हेडलाइट वगैरह थंडरबर्ड का ही डाला है और पूरा इसको हम लोगों ने अच्छे मॉडिफिकेशन कर दिया है। और ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दस का नट बोल्ट जो है दे दो, चार दे दो। अभी इसमें मीटर का वर्क नहीं हो पाया है, अभी इसमें हम लोग सोच रहे हैं अगले वीडियो में इसके मीटर के बारे में आपको हम बताएंगे। चलो चलिए भाई, ये हमारे मित्र हैं जिनकी गाड़ी है और हम इनको मिठाई खिला रहे हैं। ये भाई, ये गाड़ी बहुत अच्छी बन गई है और ये हम खुद ही खा लेते हैं। बनता है मिठाई, खाना तो बनता है।